हाय, आई एम मनोज और आज हम इंग्लिश सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें आता है इंग्लिश का जो पेपर होगा वो होगा 80 नंबर का। कितने नंबर का होगा? 80 प्लस 20। 20 नंबर जाते हैं अपने स्कूल से जाते हैं और 80 नंबर आ रहे हैं अपने इस पेपर में आएंगे। तो इसमें 80 नंबर में क्या आएंगे? सबसे पहले आएगा रीडिंग। रीडिंग में आएगा अनसीन पैसेज आएंगे 14 नंबर के। 14 नंबर के अनसीन पैसेज आ रहे हैं। उसके साथ में सीन पैसेज आएंगे, जो गोल्डन एज बुक है उसमें से सीन पैसेज आएंगे 8 नंबर के। तो ये जो चीज हो रही है ये आ रही है आपके 22 नंबर का पैसेज बन रहा है। 14 नंबर अनसीन पैसेज, 7 × 2 और 2 गोल्डन एज जो अपने जो चैप्टर है 11 तक, 1 से लेके 11 तक चैप्टर है उनमें से आएंगे। 14 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से 2 आते हैं ये सीन पैसेज आते हैं, 4 4 4 नंबर के 2 पैसेज आते हैं। तो ये आएंगे आपके 14 और 8 22 नंबर के पैसेज हो रहे हैं। इसके बाद आएगा राइटिंग लेटर। अब राइटिंग लेटर में आएगा लेटर या ईमेल दोनों में से एक आएगा, 5 नंबर के होंगे। फिर आएगा 4 नंबर का पैराग्राफ आएगा। तो उसके बाद आएगा 5 नंबर का जिसमें आपको ये दे रखे होते हैं, कोई चित्र दे दिया आपको कि उसके आधार पर लिखिए, कोई मैप दे दिया उसके आधार पर, कोई आपको जैसे पैराग्राफ लिखते हैं ना तो उसी के आधार पर उसके पैराग्राफ लिखने होते हैं, 40 शब्दों में, 30 शब्दों में, 50 शब्दों में। तो वो चीज होगी आपके 5 नंबर की। तो इस प्रकार ये होंगे आपके 14 नंबर के होंगे राइटिंग के। उसके बाद आएगा ग्रामर। सभी बच्चे हमें फोर्स कर रहे हैं कि ग्रामर के बारे में बताइए, ग्रामर के बारे में बताइए, ग्रामर करवाइए। वो ग्रामर के चक्कर में इन चीजों को छोड़ रहे हैं, पैसेज, लेटर, पैराग्राफ, इन को छोड़ रहे हैं क्योंकि इन दोनों को मिला के नंबर बनते हैं आपके 36। 14 नंबर, 8 नंबर सीन पैसेज के जो गोल्डन एज के में से आएंगे और 14 नंबर ये। तो 22 और 14 36 नंबर की हो रहे हैं। अब आता है कि ग्रामर के लिए बोला सारे ग्रामर करो, सारे ग्रामर पे फोकस कर रहे हैं ज्यादातर। तो ग्रामर में क्या आएगा? टेंस आएंगे 4 नंबर के, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, सारी टेंस मिला के आएंगे। क्लोजेज, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और मॉडल्स। तो टेंस आ रहे हैं आपके 4 नंबर के, क्लोजेज आ रहे हैं 3 नंबर के, एक्टिव और पैसिव आ रहे हैं 2 नंबर के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ रहे हैं 4 नंबर के, मॉडल्स आ रहे हैं कि 2 नंबर के। इन 15 नंबर के चक्कर में टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। दूसरे जो टाइम पे आपको टाइम नहीं मिल पाता है, अगर इतना ही टाइम आप इन पे दें तो 36 में से आपके 35 नंबर 100% आएंगे आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे आपके, क्योंकि इनमें नंबर कटने के चांसेस ही नहीं है। अगर आपने रूल फॉलो कर लिया तो इनके आंसर सामने दिए होते हैं। इनमें क्या होगा, जितना टाइम आप इसमें लगा रहे हो उससे बढ़िया इसको परफेक्ट कर लो। दूसरा हम क्या करते हैं कि कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ, हम क्वेश्चन याद कर लेते हैं लेकिन क्या होता है, एक आंसर के 100 क्वेश्चन हो सकते हैं और 100 क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? एक होगा। तो वैसे ही है कि हम गोल्डन एज जैसे कहते हैं कि सर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ, कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि गोल्डन एज के बुक में से ये क्वेश्चन आएगा, ये कर लीजिए, हो सकता है क्वेश्चन वही आए, उसका आंसर वही हो लेकिन उसका जो क्वेश्चन है वो चेंज हो जाए। जैसे आपको कहते हैं कि सीता के पति का नाम क्या है? राम। हमें यूं रटाया जा रहा है, सीता के पति का नाम राम है, दशरथ के लड़के का नाम राम है, लव कुश के पिता का नाम राम है, ये भरत और शत्रुघ्न के भाई का नाम राम है। अब आपसे क्वेश्चन आ जाता है हनुमान जी किसके भगत है? किसके? राम के। तो अगर हमें राम की पूरी थ्योरी पता होगी तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लो उसका आंसर पता होगा, लेकिन हमें क्या होगा, ये सारी चीजें पता होगी लेकिन हम लोग उन पे नहीं बता पाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन रटेंगे। जब भी अगर किसी ने पूछ लिया कि भी हनुमान जी किसके भगत है तो वहां अपन टाइम टाइफिस हो जाएगी, तो हनुमान जी किसके भगत है वहीं टाइम टाइफिस हो जाएगी। तो हमें अपनी टाइम टाइफिस नहीं करवानी है। अगर हम सिर्फ गोल्डन रेज के जो हमने जो लेसन डाल रखे हैं सारे उनको सुनना है, रेजोल्यूशन में जो लेसन डाल रहे हैं उनको सुनना है। तो ये दोनों लेसन मिला के 33 नंबर के हो रहे हैं। इस 33 नंबर में से 8 नंबर चले गए तो पीछे बचे 25 नंबर। 25 नंबर बच रहे हैं। इस 25 नंबर को अगर हम ध्यान से सुने, इन चैप्टर्स को ध्यान से सुने, उसमें भी क्या आ रही है, पोइट्री, सिर्फ 4 पोइट्री वो 9 नंबर की आ रही है।
अगर चार पोएट्री अगर गौर से सुने तो ये 9 नंबर पक्के हैं आपके, कहीं नहीं जाने। उसके बाद में अगर हम चैप्टर सुनते हैं, वीडियो देखते हैं अपना, तो रेजुलेशन और इसके मिला के 25 नंबर के टोटल होते हैं। इस 25 में से आपके 23 नंबर कहीं नहीं जाने, 2 नंबर आपके राइटिंग के या स्पेलिंग मिस्टेक के, मैं मान रहा हूँ काटने के हो सकते हैं उसमें से कट जाए, लेकिन ये नंबर कहीं नहीं जाएंगे। अगर आपके ये नंबर आ रहे हैं 23 नंबर आ रहे हैं और यहाँ 35 नंबर आ रहे हैं, इन दोनों को जोड़ने पर आपके नंबर हो जाएंगे 58 नंबर। तो आप फर्स्ट डिवीजन के नियर तो वहीं पहुंच गए। जो व्यक्ति सिंपल जो पैराग्राफ लिखेगा, सिंपल, तो उसको इजीली टेंस तो पता ही होगा, तभी वो पैराग्राफ लिख पाएगा, ये तो पैराग्राफ लिख नहीं पाएगा तो उसको टेंस का पता है। थोड़ा बहुत उसको मॉडल्स के बारे में पता होगा तभी लाइनें बनेगी, बिना टेंस के बिना इसके कोई चीज नहीं बनेगी। तो ये चीजें सारी आपस में ही जुड़ी हुई है, स्पेशलाइज पे मत जाइए। अगर आप ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे तो 15 में से तो ये अपने 5 नंबर इसमें आए थे। अब आ रहा है कि रोड एंड सेफ्टी बचता है। रोड एंड सेफ्टी ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरी जो आपके 10th का है उसमें, सबसे इंपॉर्टेंट जो लेसन है वो सिर्फ रोड एंड सेफ्टी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये ऐसा चैप्टर है आपके जो भी सब्जेक्ट है, चाहे मैथ्स ले लो, चाहे हिंदी ले लो, चाहे संस्कृत ले लो, चाहे हिस्ट्री ले लो, कुछ भी ले लो, सारे 6 के 6 सब्जेक्ट्स में से रोड एंड सेफ्टी जरूर आएगा। और कम से कम 2 से 3 4 नंबर यानी कुल मिला के सिर्फ रोड एंड सेफ्टी है जो चैप्टर है, सिर्फ 22 नंबर से ऊपर का आ रहा है, 20 से 22 नंबर जो है सिर्फ रोड एंड सेफ्टी के आ रहे हैं। इसलिए हमें इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है। और एक बार इसको पढ़ लेंगे तो हिस्ट्री में भी यही है, इंग्लिश में भी है, साइंस में भी है, हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है और मैथ्स में भी रोड एंड सेफ्टी है। तो हमें इसको ध्यान से पढ़ना है। इसके सबसे इजी नंबर है इसके 4, तो हम इस 4 को क्लिक कर सकते हैं इजीली। तो अगर ये भी हम 4 जोड़े इसमें तो आप देखते हैं 35 40 63 और यार है 67 नंबर आ रहे हैं आपके 80 में से। तो आपके 85% करीब क्रॉस होता है ये चीज। तो हमें इनको गौर करना है और हमें सिर्फ सेकंड के पीछे नहीं भागना है, हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है। हमें सिर्फ ये चैप्टर अगर पढ़ लेंगे तो इसके आंसर हम कहीं से भी दे सकते हैं, आंसर वही होता है लेकिन क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं, सेम क्वेश्चन, क्योंकि आंसर अगर आपको कोई भी जो पूछेगा आपके परीक्षक पूछेगा तो उस पार्ट में से पूछेगा, उस लेसन में जो आ रखा उसी में से पूछेगा, उस कहानी में से पूछेगा या कोई नई कहानी में से आपको क्वेश्चन पूछेगा उस कहानी में से पूछेगा। तो जितने भी है उसकी कहानी में से 100 क्वेश्चन बन सकते हैं लेकिन कहानी तो वही होगी। ये तो है नहीं कि 100 क्वेश्चन बन गए 100 तरह की अलग कहानी हो गई या उसके 1 2 3 पार्ट बन गए। इसलिए हमें अच्छे से वीडियो सुनना है, अच्छे से तैयारी करनी है और अच्छे से नंबर लेना है, लेके आने। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।